आज की टॉपिक लेते हैं भगवान के कुछ भक्त से, ठीक है, जो उनको जैसे कहते हैं ना, कुछ अगर भगवान से मांगते हैं तो उनको उनका फल मिलता है, या मिलने में देर क्यों होता है, या कुछ अलग अलग धारणा है। चलिए देखते हैं। ये कोई व्यक्ति है, ये जाता है मंदिर, यानी भगवान के ये मंदिर है, ठीक है, और ये अगर तीर्थ, ये मंदिर समझ लो आप तीर्थ स्थल, ठीक है, तो ये मंदिर जाता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ स्वाभाविक है। एक तो ऐसे तो नहीं जाता है, कुछ ना कुछ तो कहते भगवान, क्योंकि ऊपर से भली कुछ भी कहते भगवान ये चाहिए भगवान ये चाहिए, यानी कुछ मन्नत के लिए जाता है, यानी यहाँ तक तीर्थ स्थल पे भी, कि कुछ वहाँ पे जाने के बाद वो चीज़ पूरा हो जाता है। अब एक कोई व्यक्ति है तो आजकल शायद ही कोई अकेले जाता है, और कोई भी जाता है तो उसी परिस्थिति में जाता है, मैंने कहा ना, जब भी पता आता है तब, और कोशिश से बहुत कम ही होते हैं ऐसे जाते हैं, और लेकिन कुछ ना कुछ मांगना ही होता है पर्पस, लेकिन उनका कितना प्रतिशत हो रहा है ये देखिए। तो एक कोई व्यक्ति है, ये मंदिर जा रहा है तीर्थस्थल, ठीक है, मान लीजिए इसका है, इसके भक्त बन गए, क्योंकि तीर्थ स्थल जाएंगे स्वाभाविक है, तो भगवान तो सभी के सुनते हैं ना, ये तो कोई संदेह नहीं है। तो ये जो है, इनके जो है लेते हैं रिलेटिव ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, दोस्त फ्रेंड कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, पेरेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, ये भी जाते हैं, रिलेटिव जाते हैं, और भी कोई जाते हैं ना, कहने के तौर पर, और ABC CD ये सब एक ग्रुप बना के जाते हैं, ठीक है, चलो एक साथ चले जाएंगे, ऐसे ही होता है अक्सर, और अकेला भी जाते तो कैसे भी जाते हैं, मेन पर्पस होता है अब यहाँ गए, ठीक है, या यहीं से या कहीं पे भी, तो भगवान के अच्छे भक्त है हुए, मतलब मांगने जा रहे हैं, और तीर्थ स्थल पे तो कहते हैं कुछ ना कुछ मनोकामना। तो अब एक क्या भगवान से मांग रहा है, हे भगवान, एक क्या मांग रहा है, हे भगवान, हमें क्या चाहिए, जैसे आजकल दौर चल रहा है, अक्सर लोग कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो ऐसे समझो उदाहरण के लिए, हे भगवान हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, क्या बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बिजनेसमैन बनना है, राइट, और एक इस भगवान से ये मांगा है, और एक जो पेरेंट्स है वो जा रहा है, वो कह रहा है हे भगवान हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी कोई नौकरी कर ले, सेटल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे पेरेंट्स भी हुए भगवान के भक्त ना, क्योंकि मैंने अभी कहा है ना भगवान तो सबकी सुनते हैं, तो अब ये पेरेंट्स हो तो ये अपना मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, अपने बच्चों की मांग रहा है, या किसी रिलेटिव का कोई भी हो, एक के लिए मांग रहा है, तो ये पेरेंट्स मांग सकते हैं, हे भगवान हमारे बच्चे या कोई भी अगर वो गलत करना चाहे ना, तो उसकी इच्छा पूर्ति मत कीजिएगा, और कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना तो उनमें उनकी सहायता कीजिएगा, बाकी अपने लिए जो मांगने मांगे, लेकिन अक्सर ये नहीं होते हैं, अक्सर ये होता है कि नहीं हमारा ये जल्दी से सेटल हो जाए, और भगवान जी ताकि ये जॉब करने लग जाए, ताकि इनकी और भी मनसा होती है ना, अपनी अपनी मनसा। ये अब आया कोई रिलेटिव, तो रिलेटिव में कोई हो जाता है, वाइफ हो गया कोई भी, अब देखिए सब कोई ना कोई तो होगा ना, कोई भी ABCD में अभी लग गया, कोई भी हो गया, हस्बैंड हो गया, कोई भी हो गया, मतलब ये कोई भी रख लीजिए अपने अपने तरफ से। अब ये मान रहे भगवान इनको ये ना हमें ये हम घूमने जाए कहाँ वहाँ, ये कहेगा मुझे वो जगह पसंद नहीं है, मुझे कभी जाना ही नहीं है, ये कहेगा मुझे कभी जाना नहीं है, ऐसी चीज़ से नफरत करेगा, लेकिन वो मांगा ये चीज़ करने लग जाए, ठीक है। अब ये भगवान के भक्त न हो तभी तो इनकी सुने, या ये तीर्थ स्थल पर न जाए तभी तो इनकी ना सुने, इसकी सुने, ठीक है, और वैसे भी ठीक है, वैसे भी गलत चीज़ भगवान वैसे भी कहते हैं आजकल सिस्टम जानते हो, तो अपने में ना यहाँ आदमी इन्वॉल्व है। अब भगवान जी कहते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, ये भी हमारे भक्त, ये भी हमारे भक्त, ये इसका मांग रहा है, ये उसका मांग रहा है, भाई अपने अपने मांगो ना। तो अक्सर लोग क्या करते हैं यहाँ पे, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि उसके लिए जिसके कारण भगवान कहते हैं सब उसके लिए मांग रहा है, लेकिन सब अब वो तुम्हारे लिए मांग रहा है, तुम उसके लिए मांग रहे हो, तुम्हारे लिए मांग रहा है, और जब कॉन्ट्राडिक्शन होता है, अब किसकी सुनिए, अब ये बिजनेस भगवान इनको बड़ा आदमी बनाए या नौकरी दिलवाए, अगर नौकरी ना दिलवाए तो पेरेंट्स की नज़र में क्या, अरे नौकरी बोल रहे थे अभी तक नहीं हुआ, बिजनेस में नहीं बनता, अरे भगवान को इतना पूजे भगवान बिजनेस में बड़ा आदमी नहीं बनाया, अभी ये कहा अरे मैं तो ये तो कह रहा था, ये तो मैंने, अपने लिए कुछ करो ना, अपने लिए, ठीक है,
क्योंकि मेन उत्तम मोक्ष होता है, मोक्ष के जो माध्यम होगा, चलो आप कुछ भी मांगते हो चलो ठीक है, जैसे कोई चीज नहीं रहता तो उनसे इच्छा करते हो, परमात्मा से देते हैं ठीक है। लेकिन इस परिस्थिति में अभी बताओ ईश्वर क्या करेंगे, किसकी करेंगे? तो आप फिर कहता चलो भाई दिन ऐसे ही कर चल रहा है, आजकल कौन है, और वैसे भी अंतरात्मा से कौन पूछ रहा है सच्चे दिल से, बस ये है कोई भी मंदिर है वहां जाते हैं, ये अंतरात्मा से कभी पूछ ही नहीं रहे। तो इसीलिए यही कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो आप ही बताइए, इसीलिए हमें लोग फल जो है ना आजकल जो है कहते हैं कुछ सर्विस नहीं हो रहा है, भगवान ये नहीं होता, क्या कर किनकी सुनेंगे ठीक है। इसलिए मन में ही अपने से अपने लोग कल्पना करके कुछ कुछ अलग अलग बातें होता रहता है। तो यही सिस्टम सब चल रहा है। तो अक्सर होना चाहिए, फिर से मैं कहूँगा कि हम कहीं जाते हैं कुछ करने के लिए, तो सबसे पहले ये मकसद होना चाहिए कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो दर्शन करने जा रहे हैं, जो कहते हैं हम घूमने जाना है ठीक है, तो दर्शन करने पहला। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम मांगने जा रहे हैं अपनी, जैसे कहते हैं आप लोग सबकी रक्षा करना ठीक है, बाकी तो उसके कर्म होंगे ना। अब ये कर्म नहीं करेंगे बिजनेसमैन की तरफ और कहेंगे हम बहुत बड़े बन जाए ठीक है, तो कर्म भी तो होगा उसके अकॉर्डिंग। अब वो कर्म नहीं करेंगे मेरी, हाँ इनके मांगने से हो जाएगा क्या जबरदस्ती ठीक है, तो या तो तपस्या करो तो भी तो एक कर्म आया ना। तो वही चीज होता है कि हर चीज मतलब हर कुछ में कुछ ना कुछ तपस्या करना पड़ता है। यहाँ चाहिए क्विक सर्विस, और क्विक सर्विस कहाँ होता है, खुद खुद कोई भी देखो किसी भी स्तर पर खुद क्विक सर्विस हुआ है ठीक है, किसी भी स्तर पर अपने अपने किसी भी देखो ना किसी में क्विक सर्विस, क्योंकि जब तक परीक्षा ना लो तो आप रिजल्ट मिलता है उसके लिए भी 3 महीना 6 महीना वेट करना पड़ता है, रख कर चाहिए क्विक सर्विस। और तब कह देंगे इसी में कह देंगे कोई हम यार इतना पूजा किए इतना हो गए वहाँ गए, और इस में तरह तरह के लोगों से भटकते रहते हैं, कभी उससे मिले कभी उससे मिले कभी से, ये भटकाव होता रहता है। इसलिए जो परमात्मा है जब कह दिया ठीक है यहाँ मनोकामना पूर्ण हो गया कुछ होंगे, भाई अपना अपना देखिए ना ठीक है। और अगर आप मांग रहे हैं तो भाई अच्छा चीज़ मांगिए, बुरा चीज़ तो वैसे भी नहीं मांगिए, क्योंकि बुरा चीज़ आप मांगिएगा तो उसका अगर करना भी चाहेगा वो तो नहीं होगा, तब हुआ ना कि आप भलाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो होता है भाई आप कुछ और मांग रहे हैं वो कुछ और मांग रहे हैं, लेकिन उसी के लिए मांग रहे हैं ठीक है, और वो आपके लिए मांग रहे हैं, ये भी अपने लिए नहीं मांगती, मतलब मुझे तो ये करे बाकी सबको ये कर दीजिए ये कर दीजिए, ये भी मांगते हैं, ऐसे तो होता है, ऐसा नहीं होता है, होता है ना कि अपने लिए तो मांग रहे हैं साथ में उसके लिए उसके लिए उसके लिए। लेकिन जब पूर्ण कहते हैं ना जो कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो फिर क्या होता है उस परिस्थिति में, जैसे कहते ना भक्त हो गए तो भाई उनकी पूरी सुनना पड़ता है, तो वही सिस्टम सब चल रहा है। इसलिए जो तीर्थात्मा स्थल पे और आजकल जो यही सिस्टम चलता आ रहा है, और इसमें अगर आप लोग सुधार नहीं करेंगे तो खुद कंफ्यूज में फंसे हुए हैं ठीक है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करें कि अपने लिए मांगे और अपना कर्म करे उस हिसाब से, और अगला जो कर्म कर रहा है बस आप ये कह सकते हो और जिसको मानते हो कि वो गलत करना चाहे ना हो, लेकिन अच्छा जो चीज़ भी करना चाहे उनकी इच्छा पूर्ति कर ले तो आपकी भी सुन लेगा वो ठीक है। अगर इनकेस वो गलत मांगे हैं तो आपकी इच्छा फिर वहाँ पे तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, फिर नहीं उसका पूरा होगा, तो ये चीज़ होता है। इसीलिए लोग इसी में ना फंसे हुए रहते हैं हर चीज़ में ठीक है। बाकी इसको जितना भी आप बढ़ाओ ना उतना बढ़ेगा ठीक है।